क्या आपको पता है कि आप अपने फोन पे या फिर गूगल पे के रिवॉर्ड्स जो कि आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको नहीं पता होगी, तो जानने के लिए आज की इस वीडियो को इन तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गूगल पे या फिर फोन पे पे जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन करने के बाद जो हमें रिवॉर्ड्स मिलता है गूगल पे या फिर फोन पे पे, तो होता है कि बहुत टाइम ऐसे रिवॉर्ड्स हमें मिल जाते हैं जो कि हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, हमें वो रिवॉर्ड्स पसंद नहीं होते हैं, तो आप उस रिवॉर्ड्स को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप उस रिवॉर्ड को एक्सचेंज करेंगे तो आपके यूजफुल रिवॉर्ड्स आपको मिल जाए, आपका ज़रूरत का रिवॉर्ड आपको मिल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन पे या फिर गूगल पे एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से अपडेट कर लेंगे। तो एप्लीकेशन अपडेट करने के बाद आप एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे फ़ोन पे या फिर गूगल पे को। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ से आप स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ से आपको रिवॉर्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इस पर प्रेस कर लेंगे। यहाँ प्रेस करने के बाद आप रिवॉर्ड को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ से स्क्रैच कर लेंगे एंड स्क्रैच करने के बाद देख सकते हैं जो कि है रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो अगर आपको ये रिवॉर्ड पसंद नहीं है, आप इसको एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको एक एक्सचेंज का ऑप्शन मिल जाता है। तो बहुत से ऐसे भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, तो ज़्यादातर रिवॉर्ड्स जो कि है आप उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली आपको एक्सचेंज पे प्रेस कर लेना है एंड देन यहाँ से एक्सचेंज नाउ पे प्रेस कर लेंगे। देन यहाँ से देख सकते हैं न्यू रिवॉर्ड मिल गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। एंड अगेन आप इसको जो कि एक्सचेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से अगेन एक्सचेंज पे आप प्रेस कर लेंगे एंड देन यहाँ से एक्सचेंज नाउ पे प्रेस कर लेंगे एंड देन वेट कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ से जो कि है मेरा रिवॉर्ड जो कि है एक्सचेंज हो चुका है। तो इसी तरह से आप बहुत बार जो कि है आप रिवॉर्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें फोन पे या फिर गूगल पे में ट्रांजेक्शन करने के बाद जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं आप उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो के साथ।